के पुण्यार्जक हैं। श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उपमंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन मां साहब, आनंद लश्गरी, पवन लश्गरी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम् प्रधानम् सर्वधर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम् जैनम् जयतु शासनम्। देवादेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री राम सिद्ध प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अरहम योग प्रणेता मानस मर्मज्ञ एक सौ आठ परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की, वात्सल मुनि एक सौ आठ श्री चंद्र सागर जी महाराज को प्रणमो बारंबार, रामचरित वर्णन करूं तुच्छ बुद्धि अनुसार। सरस्वती माँ शारदे तुमको सुमरू आज, वीर प्रभु रखना मेरी लाज सभा में आ। वनवास में श्री राम लक्ष्मण और सीता तीनों अनेक अनेक तरह से वन में भ्रमण करते हुए वन के अनेक जीवों का उपकार भी कर रहे हैं। रास्ते में अनेक नगर मिलते हैं, राजा मिलते हैं। जो राजा किसी दूसरे के लिए दुख दिए हैं, अत्याचार किए हैं, उनके उन अत्याचारों का भी निवारण करते हुए वह राम लक्ष्मण आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल आपको सिंगोदर और वज्रकर्ण का एक प्रसंग सुनाया था। इसी के आगे उन्होंने और भी जो म्लेच्छ राजा होते हैं उनके दुर्व्यवहार के कारण से बंधन में पड़े हुए ऐसे अनेक जीवों को मुक्त कराते हुए वह आगे बढ़ते चले जाते हैं। और आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं तो जहां कोई उनको समझ पाता है तो उन्हें सम्मान देता है, और अगर कोई नहीं समझ पाता है तो उनका अपमान भी कर देता है। और ऐसा ही एक प्रसंग घटित हुआ। चलते 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 हुए जब थक गए तो एक कुटिया में किसी के घर के पास में बैठ गए। उस घर का मालिक उस समय पर वहां नहीं था, उसकी पत्नी ने उसको वहां बिठा लिया। राम लक्ष्मण को वहां बैठा देख करके जब वह उस घर का मालिक जिसका नाम कपिल था वह वहां आया और उसने देखा कि ये किसी को भी घर में बैठा लिया इसने, तो उसको वह डांटने लगा। यह देख करके वह तीनों वहां से उठ गए और पास में दूर जाकर के चलते चलते एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और फिर उस वृक्ष के नीचे बैठा देख करके जो वहां का वन का यक्ष था उस यक्ष ने उनको देखा कि ये कोई बहुत बड़े इंद्र
नागेंद्र की तरह दिखाई देने वाले महापुरुष लग रहे हैं और ये यहाँ एक वन की वृक्ष की छांव में बैठे हैं। तो उस यक्ष ने उनके रूप को देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके, उनके महापुरुष के लक्षणों को देख करके प्रसन्न होकर के वहां पर एक नगरी बसा दी और उस नगरी में सब तरह के वन्य प्राणी, मनुष्य सब कोई वहां पर रहने लगे। इस तरह से देवों के द्वारा नगरी बसाई गई। जब वह कपिल नाम का वह व्यक्ति जब वहां से गुजरा और उसने देखा कि पहले तो यहां कुछ भी नहीं था, उजाड़ था, ये यहां पर इतनी सुंदर नगरी कहां से आ गई, तो वह उस नगरी में घुसा, देखा तो उसे पता पड़ा कि जिनको हमने अपने घर के बाहर से हटाया था उन्हीं के पुण्य प्रभाव के कारण से नगरी यहां पर बसी है। वह आश्चर्यचकित हो गया और अपने कृत्य का पश्चाताप करने लगा। वह उनके पास आने से भी डरने लगा, लेकिन जब श्री राम को किसी ने बताया कि वह कपिल नाम का व्यक्ति आपके पास आना चाहता है लेकिन वह बहुत डर रहा है, तो उसे बुलाया गया और जब उसे बुलाया तो वह उनके चरणों में प्रणाम करके अपने पश्चाताप के माध्यम से अपने कृत्य की क्षमा मांगने लगा। श्री राम दयालु हृदय के थे, उन्हें पता था कि यह इसकी बहुत बड़ी नादानी है और उन्होंने उसको बड़े प्यार से उठा करके समझाया और कहा कि ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, कर्म के उदय में ऐसा हो जाता है। और उसे समझा करके उसे खूब सारा धन दिया, उससे कहा कि तुम्हें यहां से जो कुछ भी चाहिए भरपूर ले जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। लेकिन उस व्यक्ति के मन में आया कि हमने इतने बड़े महापुरुष का अपमान किया है, इससे हमारे लिए जो पाप का बंद हुआ है ये पाप का बंद कैसे कटेगा। तो उसके मन में ये विचार आता है कि मैं अब घर नहीं जाऊंगा, अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए मैं दिगंबर साधु बनकर के अपने पापों का प्रक्षालन करूंगा और वह घर ना जाकर के दिगंबर मुनि के पास में जाकर के दीक्षा ले लेता है और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। ये अनेक तरह के कथानक उन श्रीराम के उस जंगल से गुजरते हुए सामने आते हैं और उन कथानकों के माध्यम से यह जानने में आता है कि उनके पुण्य के प्रभाव के कारण से वहां पर नगर भी बसते हैं, उन नगरों में वो विश्राम भी करते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी रुकते नहीं है और आगे बढ़ते चले जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक विजयनगर मिलता है और वहां का राजा पृथ्वीधर था। उस पृथ्वीधर की रानी इंद्राणी कहलाती थी और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था वनमाला। उस वनमाला का विवाह लक्ष्मण से होना निश्चित उसके पिता ने किया था और स्वयं वनमाला ने भी ये विचार किया था कि मैं अपना विवाह करूंगी तो लक्ष्मण से ही करूंगी। लेकिन जब ये सुनने में आया कि इनको वनवास हो गया है तो उसके पिता सब जगह उन राम को, लक्ष्मण को ढूंढवाते रहे, पूछते रहे कि ये कहां है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। वह वनमाला भी जब दुखी हो गई तो उसके पिता उसका विवाह कहीं और करने की इच्छा से उसके लिए तैयारी करने लगे, लेकिन वह वनमाला ने मन में विचार किया था कि मेरा विवाह केवल और केवल लक्ष्मण के साथ ही होगा। संयोग की बात कि वह राम, लक्ष्मण और सीता जब भ्रमण करते हुए वहां विजयनगर के पास पहुंच गए तो वहां पर राम और सीता रात्रि के समय शयन कर रहे हैं और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। पहरा देते हुए उनके लिए दिखाई दिया कि कहीं से कोई पदचाप की आवाज आ रही है, कोई आ रहा है जंगल की ओर, सुगंधी आ रही है। और इस तरह की वह कुछ आहट देख करके उनके मन के अंदर एक कुतूहल उत्पन्न हुआ कि चलो चलें देखें तो क्या हो रहा है।
कौन आ रहा है। रात्रि के समय पर किसी का इस तरह से आना किसी विशेष घटना के साथ ही हो सकता है। उन्होंने देखा एक स्त्री उधर जंगल की ओर आ रही है और वह एक वृक्ष के पास में खड़ी होकर के कुछ वृक्ष से कह रही है और लक्ष्मण उसको दूर से सुन रहे हैं, पहरा दे रहे थे। लेकिन लक्ष्मण के अंदर कुतूहल उत्पन्न हुआ कि देखें तो ये कौन है, क्या है, कहां से आई है, क्या करने जा रही है, और उसका पीछा करते करते वह उसके पास तक दूर से उसको देख रहे हैं। उसके निकट पहुंच करके भी वह वृक्ष के पीछे छिपे छिपे उसको देख रहे हैं कि क्या करना चाह रही है। और वह एक वृक्ष के पास खड़ी होकर के वहां बोलती है, हे वृक्ष, मेरा मन तो लक्ष्मण के साथ विवाह करने का था, लेकिन मेरे पिता ने बहुत प्रयास करने के बाद भी लक्ष्मण को ढूंढ नहीं पाया। मेरे पिता मेरा विवाह कहीं और कराना चाहते हैं, मैं विवाह नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहती हूं। और ऐसा कहकर के वह वहां पर एक फांसी का फंदा लटका करके उसके लिए उस फांसी पर झूलने को तैयार हो गई। उसी समय पर लक्ष्मण ने उसको लपक के पकड़ा और उसको बचाया और उससे पूछा कि तू ये क्या कर रही है। तो कहती है कि मैं लक्ष्मण को ढूंढ रही थी। तो लक्ष्मण कहता है, वो लक्ष्मण मैं ही हूं। और वह लक्ष्मण उस कन्या को लेकर के जब तक राम के पास आते हैं तब तक राम देखते हैं कि लक्ष्मण कहां गया और उसको ढूंढते हुए उसकी आवाज लगाते हैं। तो आवाज लगाते ही वो लक्ष्मण उनके पास तक पहुंचते हैं और इतने में उस राजकुमारी के अनेक सखियां अनेक सिपाही लोग भी ढूंढते ढूंढते तब तक उसके पास में आ गए। और जब सबको पता पड़ा कि जिस लक्ष्मण के लिए राजा पृथ्वीधर ने सोच रखा था अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए, वो लक्ष्मण नगर के निकट ही विराजमान है, और ऐसी खबर जब पृथ्वीधर राजा को मिली तो बड़े गाजे बाजे के साथ में वह महोत्सव मनाते हुए उनके पास आया और उनको अच्छे रथ पर बिठा करके अपनी नगरी में ले गया और वहां पर जाकर के अपनी वनमाला का विवाह उन लक्ष्मण से रचाया। इस तरह के अनेक प्रसंग जो उस वनवास के दौरान हो रहे हैं, ये हमें ये बताते हैं कि जब व्यक्ति के खुद का पुण्य होता है तो उसे किसी भी जगह पर कोई भी तरह की आपदाएं नहीं होती हैं। पुण्यात्मा पुरुष को हर जगह पर सुख मिलता है, हर जगह पर लाभ मिलते हैं, और इस तरह का लाभ अर्जित करने के लिए व्यक्ति को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पुण्य भावों को शुभ भावों को अपने अंदर उत्पन्न करके उस पुण्य का अर्जन करें जिसके माध्यम से सारे काम बनते हैं। वन भी व्यक्ति के लिए भवन की तरह बन सकते हैं और उन वनों में भी एक राजाओं के माध्यम से उनके सम्मान हो रहे हैं। कहीं बड़े बड़े यक्ष नाग नागेंद्र उनके लिए नगर बनाकर के रचना करके उनके लिए रहने का स्थान दे रहे हैं, तो कहीं राजा लोग उन्हें अपने राजमहल में ले जाते हैं और हर तरह से उनकी वही राजसी खातिरदारी हो रही है जैसे वह एक राजा के रूप में उनकी अयोध्या में हुआ करती थी। ये सब पुण्य के प्रताप से होता रहता है और यही बताने के लिए यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र आपके सामने है कि हम कभी भी अपने जीवन में अगर किसी भी कारण से दुख पाते हैं तो यही सोचें कि ये हमारे अपने कर्मों का फल है, और अगर हम सुख पाए तो भी यही सोचें कि यह हमारे अपने कर्मों के फल से हमको सुख मिल रहा है। अगर हमारे कर्म में और कर्म के फल में यह सामर्थ्य होगी तो हम किसी भी स्थान पर रह करके सुखी रह सकेंगे, और यही बात हमें उन रामचंद्र जी के जीवन चरित्र से प्राप्त होती है। ऐसा वह जीवन चरित्र जिनका चल रहा है, वह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हम उसी कथानक को आगे बढ़ाते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु कुटुंब जिनके, जो भी लेन का नाम
बिगड़े बनते सब काम, जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए, दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए, कौशल्यानंदन जन गाए, दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए, दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए। इक्ष्वाकुवंश की शान क्षत्रिय जग दया निधान, इक्ष्वाकुवंश की शान क्षत्रिय जग दया निधान। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। जो स्वार्थ मोह को तज के, सो स्वार्थ मोह को तज के, उपकार लोक का करके, जो स्वार्थ मोह को तज के, उपकार लोक का करके, अपवाद कर रखते ध्यान पाते खुद में सम्मान, अपवाद कर रखते ध्यान पाते खुद में सम्मान। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। हर प्राणी जिनको गाता, हर प्राणी जिनको गाता, ना जाति भेद मन लाता, हर प्राणी जिनको गाता ना जाति भेद मन लाता। सीता के स्वामी प्राण हनुमान के जो अभिमान, सीता के स्वामी प्राण हनुमान के जो अभिमान। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर, पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। वन वन करते विश्राम, वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम, वन वन करते विश्राम अन्याय अनीति न काम। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। दक्षिणा पथ की ओर जाते जाते उन्हें रास्ते में एक क्षेमांजलि नगरी मिलती है, और उस क्षेमांजलि नगरी के पास जब वे पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने पर उन्हें कुछ लोगों से बात सुनाई पड़ती है। लोग पूछते हैं आपस में, ये कौन है, कहां से आए हैं, बड़ा इनका मनमोहन अतिशय रूप दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि कोई देवता ही नगर में आकर के प्रवेश कर रहे हों। लेकिन
उसी समय पर उनके लिए और भी बात सुनाई पड़ती है कि यहां पर रहने वाली राजा की जो कन्या है वह कन्या न जाने कितने लोगों के प्राण लेगी, ऐसा वह काल कन्या की बात उन्हें वहां पर सुनाई पड़ती है। काल कन्या समझते हो, जिसने कुछ ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है जिसके कारण से कितने लोगों के प्राण चले जाएंगे, तब जाकर के वो कन्या उसे प्राप्त होगी। वह राजा जित राजा की जित पद्मा नाम की एक काल कन्या है, काल कन्या के नाम से उसकी चर्चा चल रही है। काल कन्या का मतलब न जाने कितने लोगों के लिए वो काल बनकर के आई है। वह कन्या ने एक प्रतिज्ञा ले रखी है कि वह तो किसी पुरुष की ओर देखेगी नहीं, देवों को भी वह देखना नहीं चाहती, कोई देव पुरुष भी उसके सामने आ जाए तो वह उसको भी देखने की इच्छा नहीं करती। और राजा ने मन बना रखा है कि मैं अपनी कन्या का विवाह उसी से करूंगा जो मेरी शक्ति के आघात को सहन कर पाएगा। राजा के पास कुछ शक्तियां हैं, शक्तियां जानते हो, विद्या की कुछ शक्तियां होती हैं जो फेंकी जाती हैं तो आदमी मर जाता है, मूर्छित हो जाता है। जैसे एक बार स्वयं लक्ष्मण को भी शक्ति लगी थी, उसी तरह की कुछ शक्तियां वह राजा के पास में है। और राजा इस तरह से जब विचार करते हैं कि जब भी कभी मैं इस तरह का कोई योद्धा अपने सामने देख लूंगा, कोई पुण्यवान पुरुष अपने सामने देख लूंगा जो मेरी शक्ति को सहन कर ले, उसी से ही मैं अपनी जित पद्मा कन्या का विवाह करूंगा। ये बात लक्ष्मण के कानों में पड़ती है और लक्ष्मण को ये सब बातें सुनकर के उनका जो बल है वो अपने आप में उनके शरीर में एक अलग तरह की थैरन होने लग जाती है। और इस तरह के कुतूहलों से खेलने का उन्हें एक बहुत अच्छा अवसर मिल गया है वनवास में। वैसे तो वो घर में रहते तो शांत रहते हैं, लेकिन अब यहां पर उन्हें वन में हर तरह से जितने भी प्रकार के उनके सामने उपद्रव आते हैं उन सब उपद्रवों से जीतने का, उन सब उपद्रवों से भिड़ने का उनके अंदर एक अदम्य साहस होता है। वो एक सोचते हैं कौन सी कन्या, कौन सा राजा, किसकी बात कर रहे हो, कहां है वो राजा, कहां है वो कन्या, कहां रहता है, कहां उसका महल है। और ऐसा कहते कहते वो उस राजा के महल में प्रवेश कर जाते हैं बेधड़क। कोई रास्ते में रोके तो एक हाथ इधर मारा, एक हाथ उधर मारा, दूर हट, और वे बेधड़क राजा के महल में प्रवेश कर गए और सीधे राजा से जाके टकरा गए। कहने लगे क्या इस नगर के अंदर उदम मचा रखा है, तू कितना दुष्ट है, तेरे पास कितनी शक्तियां हैं, मेरे ऊपर फेंक। सीधा जाकर के उससे बोलने लग गए। और वह राजा के समक्ष जाकर के जब उन्होंने इस तरीके का, एक तरह से मतलब कहना चाहिए अनादर का भाव राजा के समक्ष किया, तो राजा को गुस्सा आ गया। और गुस्सा आया तो उसने अपनी शक्ति उनके ऊपर फेंकने से पहले बोला, तू क्यों यहां मरने आया है, कहां से आया है, कुछ अपना नाम पता तो बता। तो वो लक्ष्मण कहते हैं तुझे नाम पता लेने से क्या जरूरत है, तेरे पास कौन सी शक्तियां, वो शक्तियां मेरे पास फेंक। वह राजा एक शक्ति को फेंकता है तो वह एक शक्ति को अपने एक हाथ से पकड़ लेते हैं, फिर दूसरी शक्ति फेंकता है उसे दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं, तीसरी शक्ति फेंकता है उसे अपनी बगल की कांख से दबा लेते हैं, चौथी शक्ति को अपने दूसरी कांख से दबा लेते हैं। और उस राजा के पास मात्र 5 शक्तियां थी। वह राजा अंतिम अपनी 5वीं शक्ति फेंकता है तो उसे अपने मुंह में दबा लेते हैं, और ये 5ों शक्तियों से जब वह राजा खाली हो जाता है तो वह कन्या दूर से खड़ी खड़ी देख रही होती है। उसी समय पर वह कन्या का मन उस लक्ष्मण पर आ जाता है और उसी समय पर उन शक्तियों के ग्रहण करने के कारण से अनेक गंधर्व देवता, नाग देवता, किन्नर देवता वहां पर आकर के उनकी प्रशंसा करने लग जाते हैं और वहां पर मधुर गायन होने लग जाते हैं, पुष्पों की वर्षा होने लग जाती है और उस जित पद्मा से लक्ष्मण के विवाह की तैयारियां होने लग जाती है। ये महापुरुषों की बातें हैं जिनके पास में कई कई रानियां हुआ करती थी और बड़े बड़े राजा जिन्हें अपनी बेटियां देने के लिए तत्पर हुआ करते थे, वो राजा जिनके लिए सोचा करते थे, वो राजा सोचते हैं कि इनका वनवास हमारे पुण्य से इसलिए हुआ कि ये खुद हमारे पास चल करके आ रहे हैं। और इस तरह का वह जित पद्मा के साथ में जब विवाह हुआ तो उस समय पर वहां पर
उन्होंने कुछ दिन वहां पर रुके और उसके बाद में वो वहां से आगे बढ़े। अनेक तरह के इस तरह के प्रसंग विवाह के उनके समक्ष आए और लक्ष्मण ने जब भी विवाह किया अपने भाई राम को आगे रख करके सीता से अनुमति लेकर के उन्होंने विवाह किया और राम ने किसी विवाह में मना नहीं किया, उनके विवाह कराते गए, वो आगे बढ़ते गए। उसी बीच में जब वो बनमाला का प्रसंग आया था तो वहां पर एक और बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। भरत शत्रुघ्न ये दोनों राजा अयोध्या में राज्य कर रहे हैं और अभी ये लोग उनकी सीमा से बाहर नहीं निकले हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो विजयनगरी का नाम आपको बताया था, जहां के राजा का नाम वह पृथ्वीधर राजा था, उसी समय पर उन पृथ्वीधर राजा ने जब अपनी वनमाला का विवाह इन लक्ष्मण जी से किया, ये वार्ता चल रही थी, तो उसी समय पर एक दूत आता है और वह दूत एक समाचार लेकर के आता है। समाचार में लिखा था, राजा अतिवीर ने आपको बुलाया है और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप अपने पुत्रों को और कुछ सेनाओं को हमारे लिए भेजें, हम भरत पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। ये समाचार जो दूत ने उन्हें लाकर के दिया था, उसी समय पर उन राम लक्ष्मण ने भी ये समाचार सुन लिया। दूत को बुला करके पूछा कि ऐसा क्यों, पता पड़ा शत्रुघ्न ने अतिवीर के जो राजा था उसकी सेना पर चढ़ाई की और अंधेरे में बिना बताए हुए उसकी सेना को बहुत सारे सिपाहियों को मारा। ये लड़कपन में शत्रुघ्न ने काम किया और उसके कारण से वो अतिवीर राजा क्रोधित हो गया और वह भरत पर अपना साम्राज्य जमाने के लिए या भरत पर अपनी चढ़ाई करने के लिए वह अयोध्या में जाने की तैयारी कर रहा है। और ये बात जब रामचंद्र जी को ढंग से पता पड़ी, उन्होंने दूत के माध्यम से पूरा समाचार सुना समझा, तो उन्हें लगा कि वास्तव में ये अतिवीर राजा बहुत प्रचंड राजा है और जो शत्रुघ्न ने गलती की है, भरत अगर उससे लड़ना भी चाहेगा तो इसको जीत नहीं पाएगा। अब वो मन में विचार करते हैं क्या किया जाए। ये बात लक्ष्मण को भी मालूम है और सीता को भी मालूम हो गई। सीता ने भी सुन लिया कि यह अतिवीर राजा उनके ऊपर आक्रमण करने जा रहा है, तो वे विचार करते हैं कि भरत स्वयं भी सेना लेकर के लड़ने के लिए आ रहा है और ये भी सेना लेकर के लड़ने के लिए जा रहा है। अब इन दोनों के बीच में भरत इनसे जीत नहीं पाएगा, वो समझ रहे हैं, लेकिन इस अतिवीर राजा को नियंत्रित करना है, कैसे करें। तो उन्होंने वही पृथ्वीधर राजा के साथ में एक योजना बनाई और वह अतिवीर राजा के नगर की ओर चले, कुछ उस राजा के अपने बंधुओं को साथ में लेकर के, पुत्रों को साथ में लेकर के, कुछ सेना के साथ में वो आगे चले और वहां पर जाकर के जिस नगर में वो अतिवीर राजा रहता था, वहां पर उस नगर के बाहर एक मंदिर में रुक करके सीता को तो एक गढ़नी आरिका मां के पास में छोड़ दिया और लक्ष्मण को साथ लेकर के और कुछ जो उस राजा के अपने आदमी लेकर के आए थे वहां से लेकर के वह एक नर्तकी का भेष बना करके उस राजा के पास पहुंचते। नर्तकी समझते हो, नृत्य करने वाली नृत्यांगना। राम जी लक्ष्मण जी सब इस तरह का एक नृत्यांगना का भेष बनाते हैं कि कोई उन्हें देख करके समझ भी नहीं पा रहा है कि ये पुरुष है। और ये उन्होंने नर्तकी का भेष बना करके उस राजा के महल के अंदर तक जाने की उन्होंने पूरी जुगत लगा ली और वो राजा के महल के अंदर तक पहुंच गए और राजा भी उस नर्तकी के नृत्य को देखने में आकर्षित हो गया। और जब वो आकर्षित हो गया तो उसी समय पर नर्तकी ने उस राजा के गलेवान को पकड़ करके उसको उसी समय पर कहा कि तू जिस भरत के ऊपर आक्रमण करने जा रहा है, तू अपने काल को बुलाने जा रहा है, भूल कर भी उसके ऊपर आक्रमण करने मत जाना, उसका सम्मान करना, अगर तूने ऐसा कुछ कृत्य किया तो तेरी मृत्यु निश्चित है। यह धमकी जब एक नर्तकी ने दी
तो वहां पर बड़े बड़े जो योद्धा बैठे थे सब वहां पर लड़ने लग गए, और लड़ते हुए उन नर्तकियों ने ही उन सब योद्धाओं को हरा दिया। और राजा को जब अपने बस में कर लिया तो उस समय पर वहां के मंत्रियों ने कहा, राजन जब भरत की भेजी हुई नर्तकियां इतनी शक्तिमान हैं तो राजा कितना शक्तिमान होगा, इसलिए अपने को स्वीकार कर लेना चाहिए कि वहां पर अपने को नहीं जाना। और इस तरह से किसी को पता नहीं पड़ा, उन्होंने नर्तकियों का भेष बना करके उस राजा को अपने लिए समर्पित करवा लिया। इधर भरत के साथ उनका युद्ध होना था, भरत भी उधर से चढ़ाई करने के लिए अपनी सेना के साथ आ चुका था बहुत दूर तक, किसी को पता नहीं था कि ये कौन है। और इस तरह से वह नर्तकी का भेष बना करके वो वहां से हट गए। और राजा भरत को जब पता पड़ा कि अब वो अतवीर इधर नहीं आ रहा है, तो उसी समय पर उस अतवीर ने अपने अपमान को समझ करके कि ऐसे राज्य से मुझे क्या मतलब जिसके कारण से मुझे अपमान भोगना पड़ता है, तो पहले के राजा तुरंत संसार से विरक्त हो जाया करते थे। भरत आ रहे थे, देखो कितनी अच्छी घटना है आपको बता रहा हूं, भरत को पता नहीं कि ये क्या हो गया और नर्तकियों ने सब काम कर दिया। अब ये समाचार भरत के पास पहुंचा कि कोई नर्तकियां उस राजा को इतना धमका गई कि इसके कारण से वह राजा आक्रमण करने नहीं आया और वह उल्टा मुनि दीक्षा ले लिया, तो शत्रुघ्न तो अपने बाल स्वभाव के कारण से हंसने लगा, देखा वो मुझसे जीत नहीं सकता था इसलिए पहले से ही उसने अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन भरत जी समझदार थे, उन्होंने कहा बेटा भाई हंसने की जरूरत नहीं है, अपने को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और यह भी समझने की जरूरत है कि अगर कोई नर्तकियां स्त्रियां आकर के उसे किसी शक्ति का परिचय करके करा करके गई हैं, तो हो सकता है वो कोई देवियां हो जिन्होंने अपनी रक्षा की हो, लेकिन सबसे बड़ी बात वह अब मुनि महाराज बन गए हैं तो हमें उन्हें देखने के लिए जाना चाहिए। तो भरत अपनी सेना के साथ में उन अतिवीर मुनि महाराज को ढूंढ करके देखते हुए उनके पास पहुंचे और उनको जाकर के वहां प्रणाम किया, उनकी पूजा की, और मुनि महाराज की पूजा करने के बाद में वो वापस अपने नगर लौट आए। इधर उन नर्तकियों का भी उसी नगर में वास था, लेकिन किसी को पता नहीं है ये कौन है। वो अपने फिर उस नगर के बाहर मंदिर में जाकर के छुप करके बैठ गए। इधर भरत आए, उन अतिवीर को नमस्कार करके चले गए, उन्हें पता नहीं। और इसके बाद में वह जब अतिवीर का जो पुत्र था उनके लिए राजभार दिया गया और उनकी जो पुत्रियां थीं उनका विवाह लक्ष्मण के साथ हुआ। इस तरह से यह अनेक प्रकार के विवाह लक्ष्मण के पूरे वनवास के दौरान होते रहे, और ये हर विवाह करने के बाद में अपने साथ किसी को लेकर के नहीं चले। विवाह किया, कुछ दिन रुके, वहीं पर अपनी राजसी ठाट बाट के साथ में जमाई बन जाते ना, तो जमाई बन करके वहीं पर अपनी खातिरदारी स्वीकार की और फिर वहां उसको समझाया, चाहे वो वनमाला हो चाहे जित पद्मा हो, सबको समझाया अभी मेरा वनवास का समय चल रहा है, जब मैं कहीं आगे चल करके अपना उचित स्थान बना लूंगा या वापस लौट करके अयोध्या जाऊंगा तब मैं सबको लेते हुए जाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, और उनको वहीं पर रोक करके वो आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से वनवास में भी उनका पूरा का पूरा समय अच्छी बहादुरी के साथ उनके वीरता के कार्यों के साथ चल रहा है। और इस तरह से वो चलते 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 एक दंडक वन की सीमा के पास में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंचते हैं? जहां पर एक वंशस्थल नाम की उन्हें एक पहले नगरी मिलती है, वहां पहुंचने से पहले भी एक उन्हें वंशस्थल नाम की नगरी मिलती है, और ये नगरी बड़ी ऐतिहासिक नगरी है। आगे जो ये चित्रण आ रहा है ये बड़ा ऐतिहासिक चित्रण आ रहा है जो आपके लिए यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। पेज नंबर 49 पर ये वंशस्थल नगरी का चित्रण पढ़ते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम,
कुछ दिन बीते चलते चलते वंशस्थल नगरी आते हैं। वहां देखा नगर छोड़ करके सब नागर भागे जाते हैं। राम कहे कहां जा रहे नगरी से सब वीर, क्या भय यहां बना रहा कहो जरा धर धीर। उस वंशस्थल नगरी के जितने भी नागरिक जन हैं वो सब शाम के समय पर भाग जाते हैं, इधर उधर दूसरे गांव में चले जाते हैं। और ये दृश्य उन्हें देखने को मिला तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं यहां के लोग। क्या पूछे महाराज, तीन दिन हो गए बहुत सताए हैं, वंशगिरी पर ना जाने क्या दुख के बादल छाए हैं। होती है आवाज भयंकर, धरा कांप रह जाती है, बाल वृद्ध सारी जनता भय से कोई सो नहीं पाती है। इसलिए सांझ को नगरी से सब पांच कोस पर जाते हैं, होते प्रभात भय मिट जाए सब मिल वापस आ जाते हैं। सीता बोली चलिए स्वामी, हम सब भी इनके साथ चलें, समयानुकूल करने से काम सब दुख के बादल जाए टले। तब हंस बोले दोनों भाई, हमको तो नहीं आना जाना, तुम जाओ इनके साथ, सुबह जब यह आवे तब आ जाना। है हमें मिटाना बैखट का जो त्रास नगर को देता है, है कौन शत्रु इस नगरी का जो प्राण सभी के लेता है। यह कह करके चल लिए दोनों गिर की ओर, सिया भी चली साथ में लिए पति का जो। चढ़ गए शिखर पर क्या देखे, मुनिराज तपस्या करते हैं, कुलभूषण देश भूषण नामक जब नमस्कार करते हैं। इतने में मुनियों के पहले भव का वह शत्रु आता है, इस भव में जो था हुआ देव आकर उपसर्ग रचाता है। कुछ कुटिल भयंकर सर्प आन मुनियों के तन से लिपट रहे, श्री राम ओ लखन परशम से उन तन से उन्हें कर दूर रहे। फिर राम लखन दोनों ने मिल वीणा पर मृद संगीत रचा, गुणगान करा चौबीसी का सीता ने नृत्य में भाव रचा। उस वंशस्थल पर्वत पर एक दो मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं, जिनके नाम है कुलभूषण और देशभूषण। ये इतिहास प्रसिद्ध घटना है और ये वंशस्थल गिरी आज भी प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र के अंदर है। और यह स्थान जहां पर यह मुनि महाराज के लिए उपसर्ग हो रहा है, यह उनके पूर्व भव का कोई वैरी है जो देव बन गया और शाम होते ही वह देव उपसर्ग करना प्रारंभ करता है, रात भर उनके ऊपर उपसर्ग करता है और वे मुनि महाराज ज्यों के त्यों अड़े अपनी तपस्या में, अपने ध्यान में लीन बने रहते हैं, उन्हें विचलित नहीं कर पा रहा है। तीन दिन हो गए, तीन दिन से जनता सारी की सारी रात में सो नहीं पाती, इतना उपद्रव, इतनी डरावनी आवाजें आती हैं, इसके कारण से पूरा गांव वहां के आसपास की जितनी भी बस्तियां हैं वो सब पांच कोस चार कोस दूर जाकर के बस जाते हैं और सुबह होकर के सब वापिस आते हैं। इस तरह का वृत्तांत जब राम और लक्ष्मण को ज्ञात हुआ तो सीता तो कहने लगी आप भी यहां से चलो उसी गांव की ओर जहां पर ये लोग चल रहे हैं। लेकिन ये राम और लक्ष्मण कहां मानने वाले, इन्होंने मन में विचार किया कि अगर किसी भी गांव के अंदर कोई उपद्रव हो रहा है, कोई आताताई उन्हें सता रहा है तो हम देखें तो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ये वीर बहादुर लोग थे, क्षत्रिय पुरुष थे, इन्हें किसी प्रकार के बल की इनके पास में कमी नहीं थी और ये मानो की दुनिया की रक्षा करने के लिए, पूरे संसार को त्राण देने के लिए उनका रक्षक बनकर कई मानो ये संसार में आए हों। इसलिए जहां कहीं पर भी कोई उपद्रव होता था ये स्वयं उस उपद्रव में जाकर के देखने की कोशिश करते थे और उस उपद्रव को मिटाते थे। उन्होंने देखा गांव के सारे लोग इधर उधर भाग गए, सीता भी डर रही थी, राम सीता को बीच में रख करके, लक्ष्मण पीछे चल रहे हैं
और तीनों लोग उस पर्वत पर आगे बढ़े। ऊपर जाकर के देखा मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं, ध्यान मग्न हैं, और शाम का समय जैसे जैसे हो रहा है, उनके पास में बड़े बड़े भयंकर सर्प उनके पैरों में आकर के लिपट रहे हैं। ऐसे बिच्छू जिन्हें कभी देखा नहीं गया, इतनी बड़ी बड़ी जिनकी पूंछें हैं, ऐसे बड़े बड़े बिच्छू देख करके सीता एकदम से चिल्लाई, डर गई। तो राम ने उससे कहा डरो मत, और वह अपने धनुष बाण से उन सर्प को बिच्छुओं को अलग कर देते हैं, और अलग करने के बाद में उन मुनि महाराज के चरणों का गंधोदक लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और वहां पर नृत्य और संगीत के माध्यम से 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं। और इसके बाद में जैसे जैसे रात होती चली जाती है, वैसे वैसे वह उपद्रव बढ़ता चला जाता है, भयंकर आवाजें आने लग जाती हैं। रात्रि के समय पर घोर वहां पर राक्षसियों के, पिशाचियों के दृश्य देखने को मिलने लग जाते हैं। नर मुंड की आकृतियां, मुंह से आग निकाले हुई ज्वालाएं निकल रही हैं, ऐसी भयंकर आकृतियों को बनाए हुए अनेक वहां पर स्त्रियां आकर के वहां पर नाचने लग जाती हैं, और पूरे अंधकार के वातावरण में तरह तरह के पत्थर गिर रहे हैं, तरह तरह से वहां पर मेघों की गर्जना हो रही है। जितने भी तरह से वहां पर उन्हें परेशान किया जा सकता था, ज्योतिषी देव वह उन दोनों मुनि महाराजों को वहां पर परेशान कर रहा है, उनके ऊपर उपद्रव कर रहा है, लेकिन मुनि महाराज कभी किसी उपद्रव का प्रतिकार नहीं करते। और वह तीन दिन से वह लगातार कर रहा था, आज चौथे दिन इस उपद्रव को वह राम लक्ष्मण भी देख रहे हैं, और जिस स्थिति में वो खड़े हैं उस स्थिति में सहसा राम भी उस समय पर डर गए, और उन्होंने सीता को उन मुनि महाराज के चरणों में बिठा दिया, और स्वयं राम और लक्ष्मण दोनों युद्ध करने के लिए पूरे उस अंधकार में उन देवों से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह वृत्तांत आपके सामने आगे आता है। इतने में एक आवाज भयंकर भेद पहाड़ को निकली है, भूकंप हुआ पृथ्वी डोली, व्यंतरों की हाहा सुन ली है, आकाश से खून की बूंद पड़ी, कभी हाथ कटे आ जाते हैं, सर पैर अलग गिरते देखे सीता को चक्कर आते हैं, भयमान राम से लिपट गई वो मीठे शब्द सुनाते, हे प्रिय मुनि चरणों में रहो हम उसको मार भगा। राम लक्ष्मण ने उस समय लीने धनुष चढ़ाए, माया नाशक बाण कुछ चौदिस दिए चलाए, बाणों की शक्ति के आगे मिट गई असुर की सब माया, हो शक्ति ही निज खैर मना उनके सन्मुख से भाग गया, उपसर्ग मिटा लग शुक्ल ध्यान, मुनियों को केवल ज्ञान हुआ, आस्वर्ग लोक से देवों ने तब गंध कुटी निर्माण किया, मिलकर नरेश युत सभी प्रजा श्री राम के यश गुण गा, वन में ही मंडप छाउन को सिंहासन पर पधराते हैं, पहले भव के मुनियों के पिता इस भव गरुणेंद्र कहते थे, यह कृत्य राम का देख मगन हो उन्हें वचन दे जाते थे, जो इच्छा हो अब मांगे यह पड़े भीड़ तब स्मरण करे, निज लोक से आकर के रघुपति उस समय तुम्हारी मदद करे, उधर गए गरुणेंद्र और इधर इन्हें तैयार, गमन हेतु लख कर सभी कहन लगे नर नार। रात्रि में हो रहा था, और राम लक्ष्मण ने उस उपद्रव को दूर करने के लिए बाणों से, धनुष से युद्ध किया, और देवों के माध्यम से उधर से भी वह युद्ध हुआ, और राम लक्ष्मण की शक्ति को देख करके वह देव लोग भी कमजोर पड़ गए, और वह उपद्रव जब उन्होंने रोक दिया तो उसी समय पर उन दोनों मुनि महाराज के आत्म ध्यान के बल से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और वह सर्वज्ञ भगवान के रूप में, केवल ज्ञानी के रूप में अपनी आत्मा को परिपूर्ण कर लिए। हर आत्मा के अंदर ज्ञान है, और उस ज्ञान की परिपूर्णता का नाम केवल ज्ञान कहलाता है। केवल ज्ञान होने का नाम ही है कि वह आत्मा अब शरीर से मुक्त हो गया, परमात्मा बन गया, और यह परमात्मा बनने का मार्ग अनादि काल से चला आ रहा है। हम हमेशा परमात्मा का ध्यान
उसको दूसरा आत्मा मान करके करते हैं। लेकिन जब कोई भी साधु, कोई भी मुनि महाराज, कोई भी जीवात्मा जब उस परमात्मा का ध्यान स्वयं अपनी आत्मा में करता है और अपनी आत्मा को परमात्मा की भावना से वासित करके अपनी आत्मा में परमात्मा के प्रति अद्वैत भाव स्थापित कर लेता है, तो उसकी आत्मा में वह केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और वह आत्मा खुद भी परमात्मा बन जाता है। इसलिए हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, हर आत्मा परमात्मा बनता है, हर आत्मा तपस्या करने के माध्यम से परमात्म तत्व को अपने अंदर से उद्घाटित कर लेता है। यह सिद्धांत अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ही हम अपनी आत्मा का ध्यान करने का भाव कर पाएंगे। लोग अपने अंदर कभी भी परमात्मा का ध्यान करते हैं तो दूसरे ही परमात्मा का ध्यान करते हैं, अपनी आत्मा का ध्यान परमात्मा के साथ जोड़ करके नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है हम परमात्मा कभी बन नहीं सकते, परमात्मा तो एक ही है। कोई भी आत्मा यहां पर अधूरा नहीं है। लोग समझते हैं कि हम किसी ईश्वर के अंश हैं, लेकिन अगर आप ये रामचरित सुन रहे हैं, आज आपने देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज का केवल ज्ञान देखा, उन्हें परमात्मा बनते देखा, तो आपके मन में ये विचार आ जाना चाहिए कि हम कोई ईश्वर के अंश रहकर के अधूरे नहीं है। हम ईश्वर के अंश होंगे तो अधूरे रहेंगे। हमें यह मानना चाहिए कि हम ईश्वर के वंश हैं, और जब हम ये मानेंगे कि हम ईश्वर के वंश हैं तो हम ईश्वर जैसा ही काम करेंगे जो काम ईश्वर ने किया है। इतना सा अंतर है, समझने की कोशिश करें। हम ईश्वर के अंश हैं कि हम ईश्वर के वंश हैं? हम परमात्मा के अंश हैं कि हम परमात्मा के वंश हैं? बोलो। अगर हम परमात्मा के अंश मानते रहेंगे अपने आप को, तो हम कभी पूर्ण नहीं बन पाएंगे। अंश कभी पूर्ण नहीं होता, और अंश दुनिया में कभी भी अगर अंश 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 हर कोई रहेगा तो वह अंश कभी अपने अस्तित्व को दूसरों से पृथक कभी महसूस नहीं कर सकेगा। लेकिन हर अंश यहां पर अपने आप को, अपनी एंटिटी को, अपनी आइडेंटिटी को अपने से पृथक महसूस करता है, दूसरे से पृथक महसूस करता है। हर व्यक्ति को खुद अपनी आत्मा का पूरा अनुभव होता है, आभास होता है, मैं हूं। अगर हम किसी का अंश होते हैं तो हमारी डोर किसी से जुड़ी होती है, तो किसी दूसरे के लिए भी जब वह अंश है, हम भी अंश हैं, तो एक को दुख होगा तो हमारे लिए भी दुख होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपने सुख दुख का मैं भोगता हूं, अपने सुख दुख का आप भोगता हो, दुनिया का हर जीव अपने सुख दुख का भोगता है, हर आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, हर आत्मा अपना स्वतंत्र है, और हर आत्मा के अंदर वही परमात्म तत्व छिपा हुआ है जो परमात्मा के अंदर होता है, उनके अंदर जिस तरह से वो प्रकट हो जाता है, ऐसे ही हर आत्मा को अपने परमात्म तत्व को प्रकट करने की कोशिश करनी चाहिए। तपस्या का मतलब यही होता है। अंश मान करके जब तक हम चलेंगे तब तक हम कभी भी अपने आप को परिपूर्ण महसूस नहीं कर पाएंगे। हम परिपूर्ण हैं कि अधूरे हैं? आत्मा कभी भी कटती नहीं, आत्मा के कभी भी भेद नहीं होते। ये गीता में भी लिखा हुआ है, भगवत गीता में, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा कटती नहीं, आत्मा आग से जलती नहीं, आत्मा कभी पानी में गलती नहीं। हर आत्मा अपने आप में स्वतंत्र होती है, फिर आत्मा अंश रूप में कैसे हो सकती है? परमात्मा की एक आत्मा के अगर सब अंश होंगे तो एक जाल सा बिछ गया, और उस जाल का अगर कनेक्शन सबके साथ मिला हुआ है तो एक अगर मरता है तो दूसरा भी मरना चाहिए, एक को दुख होता है तो दूसरे को भी होना चाहिए। लेकिन हम महसूस करते हैं सबके सुख दुख अपने अपने अलग अलग हैं। हम
अपने अंदर की आत्मा को उस परमात्मा का वंश महसूस करेंगे, उसका वंशज महसूस करेंगे, तो हमारे अंदर यही शक्ति प्रकट होगी। और इसी शक्ति को प्रकट करने के लिए श्रमण बना जाता है, दिगंबर मुनि बना जाता है, और इस तरह की तपस्या करने के बाद ही अपनी आत्म शक्ति को जब परिपूर्ण प्रकट कर लिया जाता है तो उसी को कहते हैं भगवत सत्ता की प्राप्ति हो जाना, भगवान बन जाना। और हर आत्मा भगवान बनने के लिए यहां स्वतंत्र है, किसी भी जाति का इसमें कोई बंदिश नहीं, किसी भी संप्रदाय का इसमें कोई बंदिश नहीं। बस आप अहिंसक होकर के आत्म ध्यान करो, दूसरे जीवों की रक्षा करते हुए अपनी आत्मा का ध्यान करो, और अपने परमात्मा का अपनी आत्मा में इस तरह से ध्यान करो कि आपकी आत्मा भी परमात्मा बन जाए। कोई परमात्मा आपकी आत्मा को परमात्मा बनने से रोकता नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आप को परमात्मा का अंश मानेंगे तो आप कभी परमात्मा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपके सामने परमात्मा एक है, अन्य कोई परमात्मा नहीं बन सकता। जब एक परमात्मा होगा, अन्य कोई परमात्मा नहीं बन सकता, तो फिर किसी भी आत्मा की संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। आप अपने अस्तित्व को कभी महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अस्तित्व पूरा नहीं है, यह आपके दिमाग में, यह आपकी धारणा में बैठा हुआ है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने स्व अनुभव से विचार करना है, मैं जितना शरीर के अंदर समाया हुआ हूं वही मैं हूं, और मेरा यह अस्तित्व कहीं से कहीं तक अधूरा नहीं है, मैं पूर्ण हूं। और अपनी उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए अगर मैं संकल्पित होता हूं तो एक ना एक दिन मैं जरूर पूर्ण ज्ञानी बन सकता हूं, एक ना एक दिन मैं जरूर भगवत सत्ता को प्राप्त कर सकता हूं। ये आदमी के अंदर अगर संकल्प आए तो यही इंसान देवता नहीं भगवान बन जाए। इंसान को भगवान बनने की जो कला सिखाई जाती है, वही कला ये जैन रामायण के माध्यम से आपको बताई जा रही है। स्वयं हम देख रहे हैं अनेक अनेक जीव बीच में मुनि दीक्षा लेते हैं। यह श्री राम ने जहां पर इस उपसर्ग को दूर किया, उस उपसर्ग को दूर करने के बाद में जब केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए अनेक देव लोग आते हैं, श्री राम के उपकार को गाते हैं, और वह गरुड़ेंद्र प्रसन्न होकर के उनसे कहता है आपने ये बहुत बड़ा उपकार किया, जो आपने इस उपसर्ग को दूर किया, इन मुनि महाराजों की रक्षा करके आपने इनके शुक्ल ध्यान में सहयोगी बने, और आपके कारण से इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इस तरह का जब उनका गुणगान करते हैं तो वे गरुड़ेंद्र प्रसन्न होकर के कहते हैं आप कोई भी वरदान मांग लो, आपको इस वन में कहीं पर किसी भी चीज की कोई आवश्यकता हो, कोई विद्या, कोई शक्तियां, तो वो कहते हैं मुझे अभी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब तुम्हें याद कर लेंगे, उस समय पर मदद कर देना। और ऐसा कहकर के वह उस गरुड़ेंद्र की भी उस विद्या का किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो स्वयं में परिपूर्ण है, और वह इसी तरह से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। उनको देख करके वहां के जो गांव के लोग थे, तलैटी पे रहने वाले लोग थे, नगरवासी थे, सब कहते हैं ये कुछ दिन और यहां रुक जाए, ये कुछ दिन और यहां रुक जाए, लेकिन वह ऐसे गमन कर रहे हैं जैसे मुनि महाराज गमन करते चले जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर, अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उपमंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन मासाब, आनंद लश्गरी, पवन लश्गरी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी।